कब से देख रहा हूँ चिपक रही है, मुझे नहीं पसंद है तू चिपके चिपक रही है मेरे को। रोने से क्या होगा, रो क्यों रहे हो आप? आप लगाई हो, आप सब अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फाइनली सुभाष दिल्ली आ चुके हैं गांव से, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि अब मैं उन्हें मना सकती हूँ। तो मैंने सुभाष को भी कॉल किया था, एक दो बार तो उठाए नहीं, आप लोगों को तो पता ही है तो नहीं उठाएंगे। तो फिर उठाया तो मैंने उन्हें बोला कि आ जाओ, मतलब मेरे को मिलना है क्योंकि बहुत दिन हो गए मिले हुए। तो वो मतलब मान गए, ऐसे भी उन्होंने मना नहीं किया, वो मान गए। तो वो आने वाले, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग को भी सॉरी दिल से क्योंकि वीडियो अच्छे से आ नहीं पा रही, तो मैं बस मना लूँगी फिर आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस लाऊंगी, बहुत प्यारी प्यारी। तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सुनो, अरे यार क्या है, क्या कर रही है ये? हग तो कर रही थी, अब हग भी नहीं कर सकती। बैठ जा। हाँ जी सर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जाऊँ क्या? मैं जाऊँ? मैं आया हूँ तो मेरा दिमाग खराब मत करो यार। तो यार मैं कुछ कर थोड़ी रही हूँ, इतने दिनों बाद मैं आया हूँ, शांति चाहता हूँ मैं। ये क्या कर रही है तू, हक कर रही, चिपक रही है? मेरे को नहीं पसंद है ना चिपकना पकना, अभी दिमाग वैसे ही खराब है। सॉरी। कैसे हो? ठीक। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत खराब हो गई थी ना। तबीयत तो ना ही पूछो तुम। क्यों? बुखार आ गया, फिर आप मुझे छोड़ के गए थे ना इसलिए। ट्रेन में भी उल्टी हो गया बहुत ज़्यादा वाला। एसी सूट नहीं करा आप? हाँ मतलब मुंह सूख रहा है, वो मौसम चेंज हो रहा है ना, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बहुत चीज़ें होने लगा। याद नहीं है आपको मेरी? मिलने किस लिए आया मैं भी ये बता। पहले मिलना था मेरे को, इतना टाइम हो गया, इतने दिनों बाद आया। अरे तो मैं मिलने किस लिए आया हूँ यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ मैं, मिलने तो आया हूँ तुमसे। अच्छा, याद आ रही थी इसका मतलब? अरे ये सब मत करो यार, मेरे को पसंद नहीं है। पसंद करना पड़ेगा। गुस्सा नहीं हूँ मैं थोड़ा, सॉरी ना, मैं थोड़ा कम मतलब, सॉरी ना, दूर हो के बात कर ले यार, मैं बात करने आया हूँ, बात कर ले। बात ही तो कर रही हूँ। कब से देख रहा हूँ चिपक रही है, मुझे नहीं पसंद है तू चिपके चिपक रही है मेरे को। आया हूँ प्यार से, बात कर लो यार, यहाँ पे सब देख रहे हैं मेरे को ही देखे जा रहे हैं। आते ही चंबुक की तरह चिपक गई। कैसा रहा आपका इवेंट? बढ़िया था। तुम्हें बुला रहा था वो इवेंट वाले सब। बोला नहीं कि आप लड़ाई करके आए हो मेरे से? इवेंट वाला भी काम हो ही गया और एक काम और बाकी रह रहा था, उसको फोन पे ही करूँगा। दो तीन काम हो गया, मैं अभी डॉक्टर पे जा रहा था। ठीक हुआ सब? टेंशन वगैरह? अभी डॉक्टर पे जाऊँगा। किस लिए? दिखाना। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब खाना जो खा रहा हूँ ना उल्टी हो जा रहा है। नींबू पानी वगैरह पी लो।
मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए तबीयत खराब हो रही है। ध्यान रखो। और बताओ। पता नहीं हो गया मेरी याद में क्या हुआ, बोलो ना शांत शांत से क्यों। यार कुछ भी अच्छा नहीं है, वो तबीयत खराब हो रही है ना आपकी। और भी चीज़ें मतलब तबीयत खराब मतलब होने से पहले भी मतलब भी कुछ भी चीज़ें अच्छा नहीं है ना। यूट्यूब अच्छा लग रहा है मतलब होता है ना कि चलो यूट्यूब खोल के देख लो वीडियो वीडियो किसी की या कुछ भी, मतलब मोबाइल वोबाइल चलाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। वो टेंशन हो जाती है ना, तो भी काम हुआ नहीं आपका अच्छे से। तो पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई मतलब नहीं, आप टेंशन ले लेते हो ना, अब टेंशन लेके आपका काम थोड़ी हो जाएगा। सारे चीजें मेरे साथ हो गया मुझे पता भी नहीं चला। आप टेंशन ले लेते हो ना, टेंशन मत लिया करो, बिना टेंशन के काम करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। टेंशन लेके काम करते हो इसलिए हो रहा है। पता नहीं यार मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, समझ नहीं आ रहा। ये बात तुम वैसे मुझे बोलनी चाहिए, आप मेरे से बात नहीं कर रहे। बात नहीं कर रहा मतलब मैं खुश हूँ। तो फिर बात करो ना। खुश हूँ क्या मैं? तो बात करो। मुझे शौक हो रहा है नहीं बात करने का। तो बिना बात करे तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि तुम ही बस तुम ही दुखी हो, मैं तो दुखी हूँ ही नहीं। मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ऐसे बोला अभी तक कि आप दुखी नहीं हो। एक होता है कि चलो हाँ यार कोई लड़की मिल गई या किसी और से प्यार हो गया ऐसा कुछ होता है तो चलो ठीक है चीट कर रहा हूँ ऐसा कुछ है इसका सीन है। तो यार मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं। मैंने किसको बोला है? ऐसे बोल मैंने तो किसको बोला? किसी को भी नहीं बोला मैंने। मुझे पता है आपको टेंशन है, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि आप किसी और लड़की के साथ बात कर रहे हो कुछ कर रहे हो। देख रहा हूँ सब बोल रहे हैं कि प्यार नहीं करता, धोखेबाज है। अब उनको आपको पता, उनको नहीं पता क्या पता कि भाई कि मैं कैसे क्या गुजारा हूँ, कैसे क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे क्या रह रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ, पता है मैं समझ रही हूँ ना, तो आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? यार मैंने कुछ टाइम ही मांगा था तुमसे यार। एक चीज तो यार देखो, ये आर्गुमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा। आपको एक सेकंड बोला कि थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को। यार सुनो यार, मेरी भी सुन लो। मैंने टाइम दिया नहीं क्या आपको? मैंने दिया नहीं टाइम आपको? आपने मेरे से बात नहीं करी। एक सेकंड चुप रहो। आपने मेरे से इतने दिन से बात नहीं करी। मैंने कुछ बोला आपको? आप आए अभी, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, या मैं आपसे लड़ाई कर रही हूँ, कुछ मैंने उल्टा इंजाम लगा दिया आप पे कि आपका फोन चेक कराओ या कुछ? नहीं ना, मुझे पता है यार टेंशन है, आपने टाइम मांगा है मेरे से, मैं टाइम दे रही हूँ आपको। तो आप दूसरों की बात पे क्यों जा रहे हो? उनको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं समझ रही हूँ ना आपको, अगर मैं नहीं समझती तो बात अलग होती कि मैं भी पब्लिक में फैला रही होती कि सुभाष ये नहीं करता वो नहीं करता, तब बात होती कि हाँ मैं भी गलत हूँ। पर मैं आपको समझ रही हूँ उस जगह, और तब रोने से क्या होगा? रो क्यों रहे हो आप? यार सब ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब ये धोखेबाज है। अच्छा मैं कुछ नहीं हूँ आपके लिए, मैं कुछ नहीं हूँ आपके लिए। बुरे टाइम में मैं कुछ नहीं हूँ आपके लिए, मैं कुछ नहीं हूँ आपके लिए, मैं कुछ नहीं हूँ। बोलती देखो यार, मैं कुछ नहीं हूँ आपके लिए। तू जान ली क्या है क्या नहीं है, ठीक है? मैं नहीं जानती, मेरे को मतलब मैं कुछ नहीं हूँ आपके लिए। मतलब मैं आपको मतलब आपको समझ रही हूँ तो मतलब मैं पागल हूँ? आप बोल रहे हो, रो रहे हो। अरे मतलब कि लोग सब ऐसे बोल रहे हैं ना कि मतलब कि बुरे टाइम में साथ था, अभी धोखा दे दिया ये। आपको पता है ना आपके अंदर क्या है? मुझे पता है क्या है, मुझे पता है ना क्या है आपके अंदर। अगर आपको तब आपको रोना चाहिए था जब मैं भी बोलती कि हाँ सुभाष ने मुझे धोखा दिया है, तब होना चाहिए, तब रोना चाहिए था आपको। मैंने ये बात कहीं फैलाई? मैंने कुछ किया नहीं ना, तब क्यों टेंशन ले रहे हो? जब ठीक हो जाएगा तब हम फिर से आराम से रहेंगे, फिर से प्यारी प्यारी वीडियोज बनाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? यार कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ ना मैं यूट्यूब वगैरह पे। ये इसलिए मतलब नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बात नहीं शेयर कर रहे हो, ठीक है? आप अगर बात शेयर करते आराम से, बात जो होती ना संभल के हो जाती सब कुछ, तो आप ठीक रहते। अभी आप किसी को नहीं बता रहे इसलिए आपको टेंशन हो रही है। जो मेरे अपने हैं वो भी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो होंगे वो, तो होंगे ना परेशान। 100 कॉल मैसेज आ रहा है कि क्या हो गया, क्या हो गया।
पहले कितने अच्छे वीडियोज डालते थे, अब क्या डाल रहा है ये वो। कोई नहीं, तो मैंने भी तो बोला ना कि मतलब हम मनाने के बाद आपको तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अच्छी वीडियोस लाएंगे। मुझे 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 भरोसा है कि हम बनाएंगे। मुझे पता है आप अभी टेंशन में हो, कोई कोई बातें होती है नहीं कर पाते शेयर, अच्छी बात है। जो जलने वाले वो मजे भी ले रहे हैं, बढ़िया मजे। कोई नहीं, जलने वाले यही करेंगे। हमें जलने वालों से नहीं हम वो करना, हमें जो प्यार करते हैं उनके साथ रहना है। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप बुरे कमेंट्स पढ़ रहे हो, पर जो अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे आप हैं। बुरे कमेंट्स पे ध्यान दोगे तो टेंशन तो बढ़ेगी ना, बुरे लोग तो जानबूझ के बोलेंगे। जो अच्छे कमेंट्स आ रहे हो उस पर ध्यान दो आपके, देखो वो आपको इतना प्यार कर रहे हैं। मैं नहीं पढ़ती बुरे कमेंट्स, मैं अच्छे कमेंट्स ही पढ़ती हूँ, उनका रिप्लाई भी देती हूँ। ये तुम ये हालत तो देखो यार, कैसे पहले क्या था क्या हो गया। ये आपकी खुद की गलती है, आपने ना मेरे से बात शेयर करी और एकदम से आपने मेरे को छोड़ने के लिए ही बोल दिया, इसलिए आपके साथ हो रहा है। अगर आप मेरे से बात शेयर करते, हम ठीक करते सब कुछ मिल के, तब नहीं होता ये सब। कोई नहीं, फिर भी अगर आप नहीं चाहते हो नहीं बताना तो ठीक है, आप ठीक करो आराम से, हम ऐसे मिल लिया करेंगे एक दो बार में अगर आपको बात नहीं करनी है तो। ठीक है, स्माइल नहीं करी आप, नहीं पा रहे मेरे को देख। स्माइल करने का मन ही नहीं कर रहा, क्या कर सकते। स्माइल करो, ऐसे मत करो ना, ऐसे कर रहे हो गुस्सा आ रहा है। मैं आया हूँ थोड़ी देर बैठने बात करने, तो बात कर लो नहीं तो मैं फिर चला जाऊंगा। ठीक है बात करते, ऐसे तो बैठ सकती हूँ। यार मत करो, ऐसे मत करो यार। मैंने क्या किया यार, मैं बैठी तो रही हूँ। चल कुछ खाएगी तो खिलाता हूँ कुछ। नहीं मुझे नहीं खाना कुछ, मैं भी कुछ, मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा यार खाने वाने में। आपको बाहर की चीजें खानी है। शांत क्यों हो? ठीक है मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी जा रहे हो? आधे घंटे तो बैठो। मैं आया तो मैंने सोचा कि मिल ले हूँ, मिल ले या अब जान दे। तो आधे घंटे तो बैठो। फिर मैं मिल लिया, मेरे को जाने, ताकि मैंने सोचा कि आते ही मैं मिल लूँगा, थोड़ा तसल्ली मिल जाए तेरे को। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब, तेरे को छोड़ना है तो चल छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं, आप छोड़ो मत, आप बाइक से छोड़ देता हूँ। बाइक से आए हो, तबीयत खराब में भी मिलना था तुमसे तो बाइक लेकर आए हो। कोई नहीं आप ध्यान से जाओ, ठीक है मैं चली जाऊंगी, पास में ही है मेट्रो। ठीक है चल तू चल। नहीं नहीं मैं, अच्छा साथ में चलूँ? वैसे मैं चली जाऊंगी, आप जाओ ना बाइक से। ठीक है बाय। अरे क्या कर रही है यार, मेरे को नहीं पसंद है। जो चीज जहां अच्छी लगनी चाहिए वहीं अच्छी लगती है। फ्रेंड्स शायद अभी कुछ अभी भी टेंशन में है, तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं है, ऐसी ठीक हो जाएंगे, प्यारे प्यारे वीडियोस लाएंगे। अभी उनकी तबीयत खराब हो रही है इसलिए वो थोड़ा इरिटेट से हो रहे हैं। तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर वो अच्छे से रहेंगे, मुझे पता है, मुझे भरोसा है। तो आप लोग प्लीज़ उन्हें ना बुरा मत बोलो यार, देखो ना उनकी कैसी हालत हो रही है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप उन लोगों के लिए उनके लिए बुरा बोलते हो, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करा करो, उन्हें मोटिवेट किया करो ताकि वो मेरे से प्यार से बात कर सके। कोई नहीं, वो मेरे से मिल लिए, मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं पूरा ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो बहुत प्यारी आए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।